गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही बयाना में कूलर पंखों की दुकानें भी सजने लगी है। कूलर पंखों की बिक्री करने का कारोबार करने वाले दुकानदार महंगी लागत लगाकर इस बार नया स्टॉक लेकर आए हैं, जिनमें विभिन्न वैरायटी के कूलर पंखे बताए जा रहे हैं, किंतु अभी बिक्री सुस्त होने से दुकानदार काफी परेशान है, जिसका कारण वह तेजी से बढ़ती महंगाई बता रहे हैं। कूलर पंखा विक्रेता मनोज गुप्ता ने बताया कि इस बार कूलर पंखों की रेटों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि सरकार को महंगाई की रोकथाम व आमजन को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कूलर पंखों पर लगने वाले सभी टैक्सों में छूट देनी चाहिए, ताकि आमजन उन्हें खरीद सके। साल लोहे के कूलरों पर भारी तेजी है। कूलर की लोहे की बॉडी जो पिछले साल 72 रुपए किलो बिक रही थी, इस साल 105 से 107 रुपए किलो है। प्लास्टिक के कूलरों पर भी भारी इजाफा हुआ है। जो कूलर पहले 5000 रुपए का था, वो आज की तारीख में उसकी कॉस्टिंग 5-5500 रुपए करीब बैठ रही है। आज की रेटों में कोई भी इजाफा हुआ नहीं है। ये महंगाई के कारण लोग कूलर खरीदने में कतरा रहे हैं। आप तो पूछते हैं परंतु खरीद नहीं पा रहे हैं। धनाढ्य जो लोग हैं वो तो एसी खरीद ले पाते हैं। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है।